हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, हसन अंसारी लखनऊ। और आज जो है एक मकान का पोजीशन होने जा रहा है, हाउस नंबर 36। तो इसका साइज़ जो है 1040 है। और माफ़ी चाहता हूँ, धूप बहुत तेज़ है सामने। और ये वेस्ट फेसिंग का मकान है और 1040 साइज़ है इसका पोजीशन है। और अभी ये सोसाइटी DS3 है। यहाँ पर स्टेप बाई स्टेप पोजीशन हो रहा है मकानों का। आप लोगों ने इससे पहले अभी मैंने रिसेंटली वीडियो डाले हुए हैं। तो ये 990 ज़मीन एरिया है और बिल्डअप एरिया 1040 है। तो इस मकान का पोजीशन है, ये जो है 3750 का रेट था यहाँ पे। और इसी साइज़ में एक मकान हमारे पास DS2 में अभी खाली है। DS2 में वो पड़ेगा 3650 के रेट से। तो अगर कोई लेना चाहता है तो रेडी टू मूव मकान है और सेम यही साइज़ है। बस वो DS2 है, ये DS3 है। ये न्यू जानकीपुरा में पड़ेगा जो हमारा मकान होगा, ठीक है। 1040 है, वेस्ट फेसिंग में अवेलेबल है। और 38 लाख कुछ का BSP है, रजिस्ट्री GST के साथ वो और भी प्राइस हो जाता है। तो बाकी एक कॉल कर लीजिएगा जिसको अगर रिक्वायरमेंट है, जो रेडी टू मूव मकान देख रहे हैं। तो ये हमारी सोसाइटी है DS2। जैसे मैं सराउंडिंग दिखा रहा हूँ आपको, जो लोग नए हैं चैनल पे उनको नहीं पता होगा। तो जो लोग नए चैनल पे, एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारी इसको वीडियो को, और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। जो लोग अभी मकान सर्च कर रहे हैं, जो आपके जिस संपर्क में हो, आप उनको शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी बहुत अच्छी है। किसी को अगर आप सजेशन भी देंगे तो वो आपको दुआ ही देगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ, मकान अंदर से दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से बना हुआ है ये। और जो लोग नए हैं चैनल पे, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद दोस्तों। हाय दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए इस घंटे को, लाइक एंड शेयर कीजिए, शुक्रिया। दोस्तों, हाउस नंबर 36 का पोजीशन होने जा रहा है, तो मकान मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से अंदर बना हुआ। ये पोर्च एरिया हो जाता है और ये बाहर का लॉन एरिया है, जो कि फिनिशिंग आप देख रहे हैं बाहर की हमारी। और वेल फर्निश्ड करके मकान मिलता है। पोर्च एरिया काफ़ी बड़ा है, 1040 साइज़ है ये, 22x45। तो ये जो होता है मैन एंट्री हो जाती है, यहाँ से स्टेयर जाते हैं छत पर, और स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगती है जो आप देख रहे हैं। एक एंट्री ये मैन हो जाती है, मैन एंट्री घर की, और दूसरी एंट्री जो होती है ये ड्राइंग एरिया से होती है। तो हम ड्राइंग एरिया से चलते हैं अंदर। बड़ी विंडो हो जाती है, ये मलेशियन शाखू की होती है और काफ़ी बड़ी होती है, जिससे वेंटिलेशन बहुत अच्छा रहता है। और ये जो है मकान, बच्चा थोड़ा शरारत कर रहा है यहाँ पर। और बाकी जो मकान है अच्छा फिनिश किया हुआ है। ये बाहरी ड्राइंग रूम है, काफ़ी बड़ा वाइड है और सब डोर वगैरह ड्यूरियन के होते हैं। आप ऊपर देखिए, फ़ैन ट्यूबलाइट्स वगैरह हम लोग लगा के देते हैं इसमें। और आप फिनिशिंग देखिए, POP का ज़्यादा वर्क नहीं होता, छोटी सी एक पट्टी डाली जाती है, बाकी ओरियंट बेल के टाइल्स रहते हैं। इन्होंने थोड़ा अंदर का लुक चेंज कर दिया था, जैसे यहाँ वेंटिलेशन दिया हुआ है और OTS, और ये सामने जो है आपका वाश बेसिन है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ चेंजिंग करा ली थी, जब ज़मीन से मकान बुक किया था तभी इन्होंने बता दिया था कि हमको इस तरीके से करना है। और बाकी जो है ये देखिए, सेमी मॉडुलर किचन है, जब लोग बना के देते हैं आपको। सेमी मॉडुलर किचन जो होता है हमारा, ये ओपन रहता है और सामने काफ़ी एरिया स्पेस रहता है, जहाँ की डाइनिंग टेबल वगैरह लगा सकते हैं। और सामने देखिए एक विंडो रहती है, जिससे कि अगर कोई किचन में गृहिणी काम कर रही है तो बाहर उनको दिख जाता है। और ये बास्केट्स रहती हैं बर्तन वगैरह रखने के लिए, तीन तरीके की बास्केट्स ये रहती हैं, इसमें प्लेटें वगैरह आप लगा सकते हैं। और एक और रहती है इस तरीके की, देखिए ये ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये तो चार ये नीचे की हाइड्रोलिक बास्केट्स रहती हैं। और जो किचन रहता है पूरा, इसमें जैसे सिलेंडर वगैरह आप रख सकते हैं नीचे, या टोकरी वगैरह, या कुछ सामान रख सकते हैं।
तो ज़रूरत के हिसाब से बनाया जाता है। प्लग पॉइंट भी इस तरीके से दिए जाते हैं, सब जगुआर की फिटिंग्स रहती है। यहाँ आप देख रहे हैं इसमें दो तरीके के, एक डायरेक्ट सप्लाई की रहती है, एक टंकी से सप्लाई की रहती है। और जो सिंक भी रहता है वो भी एक जिंदल का रहता है, कंपनी का ग्रेनाइट का, देखिए ये वो रहता है मार्बल का जिसका स्लैब पड़ा हुआ है। और इस तरीके से ये आपको सेमी मॉडुलर किचन मिलता है, ऊपर भी डब्बे वगैरह रखने के लिए बास्केट्स बनी होती हैं। तो ज़रूरत के हिसाब से किचन को बनाया जाता है, सेमी मॉडुलर है तो उसी हिसाब से बनता है। सामने काफ़ी बड़ा एरिया, डाइनिंग टेबल वगैरह लगा सकते हैं आप यहाँ पे, और बाहर कोई गेस्ट आते हैं तो वो रुक सकते हैं। तो बड़ा मकान है ये, 1000 प्लस साइज़ है, 3750 का रेट था यहाँ पे। और बाकी मैं अंदर चल के रूम वगैरह दिखाता हूँ आपको। दो रूम होते हैं इसमें, अंदर एक भारी ड्राइंग रूम है, ये अंदर का रूम है, और ये कॉमन लेटरिन बाथरूम होता है, जो कामन लेटरिन बाथरूम है। और डोर सारे ही यहाँ पे ड्यूरियन के होते हैं, चाहे बाथरूम के हों चाहे मैन डोर हों। और यहाँ इन्होंने इंडियन सीट लगवाई हुई है, वैसे हम लोग वेस्टर्न भी देते हैं, इंडियन जैसी आपकी डिमांड होगी वैसा ही प्रोवाइड करेगा। दो टॉयलेट होते हैं तो दोनों में एक एक लग जाता है, और अगर आप जैसा चाहेंगे वैसा ही मिल जाता है आपको। अंदर देखेंगे टाइल्स वगैरह लगा हुआ है, और जो भी चीज़ें यहाँ लगी सब जगुआर की ही फिटिंग्स हैं। जैसे ये गीज़र वगैरह के लिए भी पॉइंट दिया रहता है, शावर है, सभी चीज़ें जगुआर की ही होती हैं, ब्रांडेड ही यूज़ किया जाता है। टाइल्स वगैरह भी सब ओरिएंट के रहते हैं। ये पूरा सिस्टम आता है इसका जगुआर का, काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, बट ये है कि एक ब्रांड बनता है, इससे क्वालिटी रहती है उसकी। तो बाकी मैं आगे चल के दिखाता हूँ आपको। ये अब हम रूम में एंटर कर रहे हैं, जो अंदर का रूम है। और इसमें भी देखिए जैसे फ़ैन, ट्यूबलाइट्स वगैरह ये सब हम कंपनी लगा के देती है आपको। इसमें एक विंडो भी है, जो इन्होंने मकान बनवाया है इसमें इन्होंने थोड़ा बहुत अमेंडमेंट भी किया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए एसी का पॉइंट रहता है, नॉर्मल पॉइंट इतने सारे दिए जाते हैं कि आपको कोई परेशानी ना हो। और ऊपर पीओपी का बहुत नॉर्मल सा साइड में आप देख रहे होंगे वो वर्क किया जाता है, फ़ैन होता है, ट्यूबलाइट्स होते हैं। और ये अंदर से एक इन्होंने डोर निकलवा लिया है जो कि ओटीएस में जा रहा है, देखिए ओपन टू इसका। यहाँ आप देखिए एक पॉइंट दिया हुआ है पानी के लिए, एक जैसे वॉशिंग मशीन रखेंगे उसके लिए, दोनों के लिए दिया हुआ है, बिजली का भी दिया है। ऊपर ओटीएस तो यहाँ से वेंटिलेशन रहता है। अभी जो है यहाँ पे मकान अवेलेबिलिटी नहीं, एक ही यूनिट है, तो अभी केवल मैं सैंपल तरीके से ये पोजीशन हो रहा है, हाउस नंबर 36, तो वही दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और इसमें देखिए ये मास्टर बेडरूम में मैं एंट्री कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए डोरबेल भी लगी हुई है, कंपनी लगा के देती है आपको। डोर ये सारे ड्यूरियन के ही रहते हैं, ओरियन बेल का टाइल्स है। यहाँ भी एक विंडो दी है ओटीएस से ताकि वेंटिलेशन रहे यहाँ पे, ट्यूबलाइट फ़ैन सारे हैं। ये एक मास्टर बेडरूम के साथ अटैच लेटरिन बाथरूम रहता है, जो कि देखिए इन्होंने वेस्टर्न लगवाया हुआ है। यहाँ भी वही सब जगुआर की फिटिंग्स रहेगी, टाइल्स वगैरह रहेंगे पूरी वेयर सेरा के ये रहते हैं। और एक वाश बेसिन और मिलेगा, दो टॉयलेट होंगे तो दो वाश बेसिन मिलेंगे आपको। और इस तरीके से मकान हम लोग फिनिश करके देते हैं। यहाँ पे आप फिनिशिंग देख रहे हैं, तो हमारी जो नई सोसाइटी बन रही है पैराडाइज, वहाँ पे आप 3200 रुपये स्क्वायर फीट रेट है, वहाँ पे छोटे साइज़ से मतलब 17-18 लाख रुपए से लेके 60 लाख के बीच में मकान है। आप बड़े साइज़ भी ले सकते हैं, छोटे साइज़ वैसे ही ख़त्म हो गए, बड़े साइज़ अवेलेबल हैं। 1050 है, 1250 है, 1550 है, 3200 रुपये स्क्वायर फीट रेट है वहाँ पे जो मकान बन रहा है। यहाँ से भी उसमें अच्छी क्वालिटी रखी जा रही है, काफ़ी चीज़ों में अमेंडमेंट किया जा रहा है, कुछ चेंजिंग करी गई। जैसे फर्स्ट एलिवेशन में हम लोग यहाँ पे नहीं देते थे टाइल्स, तो वहाँ पे टाइल्स दिए जा रहे हैं। तो आप लोग प्लान कीजिए, और मकान हम लोग ऐसे ही जैसे आप देख रहे हैं ऐसे ही बना के देते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट रहता है और अच्छे मकान बनते हैं। ये मार्बल का स्टेयर देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है, और ऊपर छत पे चल के हम थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। आप लोग प्लान कीजिए, बहुत अच्छी सोसाइटी आगे बन रही है हमारी, 3200 रुपये स्क्वायर फीट केवल रेट है। यहाँ पे जो है 3750 और 3650 का रेट है, यहाँ भी दो चार यूनिट बची हैं तो आप लोग प्लान कर सकते हैं। और काफ़ी गेटेड सोसाइटी पूरी देखिए बाउंड्री वॉल करके हम लोग बनाते हैं। अभी और भी मेरे वीडियो देखिएगा, मैं लिंक डाल दूँगा इसमें। तो इस तरीके से हमारी सोसाइटी डेवलप हो रही है कुर्सी रोड पर। लोकेशन इनकी मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ, हमारी लोकेशन कुर्सी रोड रहती है, जो श्रेष्ठी अपार्टमेंट है लगभग उसके पीछे ही हमारा एरिया डेवलप हो रहा है।
तो जो लोग लखनऊ में प्लान कर रहे हैं, अगर जो लोग गोंडा, गोरखपुर, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर, शाहजहाँपुर, ये लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है। और जो लोग कहीं भी लखनऊ में ही रहना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग भी यहाँ पे मूवमेंट कर सकते हैं। यहाँ से लोकेशन अलीगंज, विकास नगर, खुर्रम नगर, जानकीपुरम, मड़ियाँव, अलीगंज, ये एरिया नज़दीक पड़ता है, क्योंकि ये खुद न्यू जानकीपुरम एरिया में सोसाइटी लगती है हमारी। तो आप लोग प्लान कीजिए, यहाँ पे मकानों का कोई क्वारी हो तो वो भी आप बात कर सकते हैं। 80% फाइनेंस हो जाता है। ये 500 लीटर की टंकी दी जाती है, जो हर मकान में हम लोग 500 लीटर की टंकी देते हैं। और इसमें भी आप देखेंगे तो एक एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है, पानी आने के लिए जाने के लिए नोज़ल लगे हुए हैं, बंद करना है इसको। बिजली के लिए भी देखिए छोटे से पॉइंट बाहर दे दिए जाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखा जाता है। ये सरिया निकलते इसको हाइट कर दिया जाता है। अब मैं दिखाता हूँ, देखिए पॉइंट यहाँ पे, देखिए किस तरीके से टूटी भी दी हुई है छत पे। तो छोटी छोटी चीज़ों का भी एक्सपेंस होता है, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ ज़रूरत की, जैसे आप रहेंगे आपकी छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। पानी के ड्रेनेज के लिए पाइप है, यहाँ पे जो छत पड़ी हुई है इसमें ढलान बना हुआ है, वाटरप्रूफिंग करी गई है, जो भी सरिया निकली हो तो इसको ढक दिया जाता है। और बाकी आप जब रहेंगे तो इसको धूप से बचने, बारिश से बचने के लिए इस तरीके से फाइबर की शीट भी लगा सकते हैं, जो OTS बने हुए होते हैं। तो दोस्तों प्लान कीजिए यहाँ पे, अगर कोई क्वारी हो, यहाँ पे 80% फाइनेंस हो जाता है, ICICI बैंक से अप्रूव है हमारा प्रोजेक्ट। तो 80% आपका फाइनेंस हो जाता है, 20% देना पड़ता है, रजिस्ट्री GST देनी पड़ती है। जो भी साइज़ होता है उसको आप जो है हमारा जो पर स्क्वायर फीट रेट होता है उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आप लोग प्लान कीजिए, लखनऊ में है, न्यू जानकीपुरम में एरिया लगता है। और कुर्सी रोड पे हमारे दो प्रोजेक्ट हैं, 300 मकानों का एक प्रोजेक्ट है और एक टाउनशिप बन रही है 400-500, वहाँ पे जॉइंट एडवेंचर में और भी मकान बन रहे हैं बहुत सारे। ठीक है दोस्तों, तो प्लान कीजिए आप लोग। कंग्रेचुलेशन, मुबारक हो सर। घर कैसा लगा सर, मकान ले गए? बहुत अच्छा लगा। और जो यहाँ पे जैसे पोजीशन दिया इंजीनियर साहब ने आपको, तो क्या क्या दिक्कत वगैरह, जैसे कोई दिक्कत तो नहीं लगी आपको? और जो दिक्कत थी वो मैंने बता दिया, सोल्यूशन हो जाएगा आपका, है ना? बाकी कोई ऐसा मेजर इशू तो नहीं है आपको यहाँ पे? और बाकी जो है सोसाइटी कैसी लगी आपको सर? अच्छा अच्छा। और यहाँ पे जो है कैसे जानकारी, यहाँ की कैसे जानकारी मिली थी आपको जब आप आए होंगे? तो बहुत मकान सर्च करे होंगे आपने। जानकारी ऐसा है कि हमने कई जगह देखा था, लेकिन अंतिम में आके हमें ये सर ऐसा क्या लगा यहाँ पे? जैसे आपने 5-10 जगह तो देखा ही होगा, प्रॉपर्टी लेने से पहले हर कोई देखता है, तो यहाँ पे क्या आपको कुछ चेंजिंग लगी दूसरी अदर जगह से कि आपने यहाँ पे फाइनल चूज किया आपने? मैंने देखा कि थोड़ा सा कमिटमेंट का लगा कि मुझे थोड़ा सा वर्क, जो काम का वर्क देख रहे थे वो भी थोड़ा सही लग रहा। सोसाइटी भी ठीक लगी आपको? सोसाइटी भी लग रहा था कि सही है। जी जी, काम जैसे जैसे होता गया तो थोड़ा और विश्वास बढ़ते गया। बिल्कुल बिल्कुल। ओवरऑल जो है आपको सोसाइटी बढ़िया लगी, परफेक्ट लगी? सर्विस कैसी लगी हम लोगों की? सर्विस जो है यहाँ पे सर्विस भी सही, फिर
जैसे जरूरत होती थी वैसे सर्विस। ठीक है, धन्यवाद सर, आपने जो आपको मकान मिला उसके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।